सलाम एवरीवन, मेरे नाम सिद्रा रजब है और मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। एमए पार्ट टू में एक प्ले था जिसको मैं इस वक्त, क्योंकि वो प्ले मेरे लिए बहुत कुछ है, वो मेरे लिए मेरी हार्ट बीट की तरह बहुत अहमियत रखता है, यानी वो मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस वक्त मैं उस प्ले को डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन नक्शा खींचने के लिए थोड़ी सी उसकी पिक्चर क्लियर करना ज़रूरी है। वो एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कोई प्लॉट नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई कैरेक्टर मुकम्मल नहीं है, सब लोग अधूरे हैं। उसमें जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो सब एक तमाशा है। वो ट्रेजाई कॉमेडी है, यानी ट्रेजेडी और कॉमेडी एट अ टाइम, यानी आपको उसको सुनकर आंसू भी आएंगे, जिस्म भी कांपेगा, रूह भी कांपेगी और हंसी भी आएगी। उसके तमाम कैरेक्टर्स बीमार हैं, कोई मेंटली, कोई फिजिकली, कोई सोशली, कोई फाइनेंशियली, यानी उसमें एक इंसान के हर हर एंगल को डिस्कस किया गया है। उसमें एक ऐसी पोजिशन आती है जिसमें सारे कैरेक्टर्स गिर जाते हैं और राइटर यहाँ पर एक कमाल करता है, एक सेंटेंस देता है। जब वो गिर जाते हैं तो वो कहता है, वी आर मैन, यानी हम वो इंसान हैं जो मगरूर हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, लेकिन हम गिरे हुए हैं, हम गिर चुके हैं, लाचार, कमज़ोर, नादार, बीमार, मजबूर। अब इसको जब मैं अपनी लाइफ पर फिट इन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हम सब लोग कहीं ना कहीं से टूटे हुए, कहीं ना कहीं से छुपे हुए, कहीं ना कहीं से बीमार, मजबूर, यूजर्स या फिर बीइंग यूज्ड, ये सारे पोस्ट्स, ये सारी स्टेजेस हम लोगों से भी रिलेट करती हैं और इस सारी बात की समझ भी आती है। लेकिन मुश्किल कहाँ पर आती है? जब बारी स्टैंड लेने की आती है। खाली समझ लेना काम नहीं है, खाली इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में रख कर कुछ समझ लेना काफ़ी नहीं है, उसे पेपर पर उतार कर टेस्ट प्रोसेस से गुजर कर पास आउट करना असली मतलब है। तब मिलती है वो डिग्री, तब वो मिलता है सर्टिफिकेट, यानी हमें अपने मजबूत, अक्लमंद, स्ट्रांग होने का सबूत भी देना पड़ता है। मिसाल से समझते हैं, मेरा बच्चा घर आता है, फॉर एग्जाम्पल, आकर अपना एक प्रॉब्लम शेयर करता है। अब मेरे कान पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं, मेरे हस्बैंड सुनते ही उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं। मैं क्या करूं? अगर मैं अपने बच्चे को फेवर करती हूँ या अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि यू जस्ट स्टॉप स्पीकिंग, लेट मी थिंक ओवर इट, या यू शुड थिंक ओवर इट, या ऐसा कुछ भी जिसमें उनकी सो कॉल्ड तजलील हो, तो ये भी काम खराब हो जाएगा, बच्चे के दिल पर भी बुरा असर पड़ेगा, हस्बैंड वैसे ही मुझसे बदजन हो जाएंगे। मैं ऐसा क्या करूं कि इस सारी सिचुएशन को हैंडल करूं? इस तरह की सिचुएशन सिर्फ माँ बच्चे बाप में नहीं होती, सास बहू, मियाँ बीवी, बहन भाई, दोस्त रिश्तेदार, इवन दुकानदार शॉपकीपर, कितनी सारी सिचुएशंस हैं। रात जाता बंदा कॉन्फ्लिक्ट होना मुमकिन है, एन मुमकिन है, हमारा किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कशमकश पैदा हो सकती है, गलत फहमी पैदा हो सकती है, बुरी राय क्रिएट हो सकती है, गर्मा गर्मी हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है हमारी ईगो। हमारी ईगो हमारी प्लेट में मौजूद है और वो प्लेट इधर हमने लगाई हुई है, छोटी सी ना, ऐसे गले में लॉकेट की तरह लगाई हुई है हमने। हम उस प्लेट को फौरन सीधा करते हैं, वो ईगो बिल्कुल उसके ऊपर फिट हो जाती है, अब हमारी हो रही है बेइज्जती। जैसे कि अभी अगर मैं उस बच्चे की बात सुनना शुरू करूंगी तो बाप की बेइज्जती शुरू हो जाएगी, बाप को स्ट्रेंथन करूंगी तो बच्चे की बेइज्जती हो जाएगी। ये सब कुछ हमसे चाइल्डहुड से स्टार्ट हुआ हुआ है। गौर करें अपनी और मेरी जिंदगी पर, हमने ये सब कुछ देखा सीखा है, अब इसे अनलर्न करने का टाइम है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का नक्शा खींच कर बताऊंगी जो इन्हीं मैन में से एक है, गिर जाता है लेकिन टूटता नहीं, हारता नहीं, क्योंकि उसके अंदर ईगो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने से 20,000 गुना ज्यादा बोझ उठाकर खड़ा होने की ताकत रखता है। वो उन तमाम लोगों के बोझों को उठा सकता है जिनके हाथों में प्लेट्स हैं और प्लेट्स में उनकी ईगोस पड़ी हुई हैं, उन्हें हैंडल कर सकता है। आई पर्सनली एम डूइंग इट एंड दिस इज नॉट ईजी बट दिस इज वेरी रेवरेंड। ये बहुत बाइज्जत पोस्ट है। इसके बाद भी, इससे पहले भी, इसके आगे पीछे मुश्किलात आना बंद नहीं होंगी, चलती रहेंगी, आखिरी सांस तक मुश्किल ने आना ही आना है। स्ट्रेंथ टक्कर उस मुश्किल से क्या है? वो ये है कि जब मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर 1, 2, 3, 4 लोगों की ईगो फॉर सेल है, तो मैं बाज ना आऊं, मैं खामोश ना रहूं, मैं ये ना कहूं कि यहां पर झगड़ा हो जाएगा। नो, आई मस्ट बी हैविंग, मैं टीच करती थी, जब मैं हेड ऑफ द टीचर्स थी, मुझे जब किसी की मिस्टेक को पिकआउट करना होता था, मुझे पता था ये टीचर टेढ़ी है, बात नहीं सुनेगी, तो मैं इस तरह नहीं कहती थी कि ये आपने लफ्ज गलत बोला है, मैं ये कहती थी कि यार मुझे जरा कंफर्म करके बताना ये डिक्शनरी में इस तरह है या इस तरह है, आई एम डाउटफुल। अब मैंने अपने आप को प्लेट में रख दिया, उसकी ईगो की जगह अपनी रख दी, ये लो इसे मार लो, दिस इज फॉर सेल। बिल्कुल इसी तरह उस बच्चे की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं उसके बाप को जरूर मुखातिब करूंगी और उसे जरूर बताऊंगी कि व्हाट द पोस्ट इज इन हिज हैंड्स, ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं उस बच्चे को भी जरूर मुखातिब करूंगी क्योंकि उसको भी अपनी पोस्ट का पता होना चाहिए। मैं उस बच्चे को बताऊंगी कि इंस्टेड ऑफ ईगो अपनी प्लेट में अपनी स्ट्रेंथ रखो, और जिसके पास स्ट्रेंथ होती है ना
उसे इन प्लेट्स की, इन सर्टिफिकेट्स की, उसे किसी दूसरे की अप्रिसिएशन की। इनफैक्ट मुझे कभी कभी लगता है मैं जिंदगी में जलील ही इतना हुई हूँ कि मुझे अब ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती मेरे लिए कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे। मुझे अप्रिसिएशन मिले तो मुझे डर लगता है क्योंकि उस अप्रिसिएशन में किसी ना किसी का कोई मकसद छुपा होगा। मैं लाइफ में इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज हो चुकी हूँ कि अब मेरे लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती, अब मैं सिर्फ एक मददगार मशीन की तरह काम करती हूँ। मुझे अक्सर मेरे बच्चे भी ये कहकर छेड़ते हैं कि यू आर अ हेल्पिंग मशीन। यस आई एम एंड आई एम हैप्पी विद दिस पोस्ट। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लड़ाई झगड़ा क्रिएट करके अपनी ईगो को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मनवाने पे मेहनत करने के बजाय बहुत अच्छा लगता है अपनी स्ट्रेंथ को मनवाना। और वो स्ट्रेंथ मेरे कैरेक्टर में, मेरे अल्फाज में नहीं है। मैं वहां वहां पर बोलूंगी जहां जहां पर मेरा बोलना फर्ज है, और ये नहीं बोलूंगी कि तुम सही हो और तुम गलत हो, नो, ये बोलूंगी कि जरा डिक्शनरी से कंफर्म करना सही लफ्ज क्या है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से किसी की इस्लाह कर सकते हैं। जाते जाते सिर्फ ये कहूंगी कि हम सब बीमार, मजबूर, फॉल्टेड, गिरे हुए हैं। हम पे कोई लाजिम नहीं है कि हम अपने आप को सही साबित करें और उसके बाद अपने ही हाथों से खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट्स देते चले जाएं। ये सर्टिफिकेट्स हमें किसी ने नहीं देने। इससे कहीं ज्यादा, आप यकीन करें, इससे कहीं ज्यादा वो सर्टिफिकेट मैटर करता है जो ना चाहते हुए भी आपकी पर्सनैलिटी के साथ जुड़ता चला जाएगा। लोग आपको रिकॉग्नाइज करते चले जाएंगे। अब जैसे मैं वीडियोज बनाती हूँ, मेरी जो फैमिली है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं मेरे बेंट ऑफ माइंड को। क्यों देखते हैं वो मेरे वीडियोस? बिकॉज दे नो दैट अ डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड इज देयर, और अनकॉन्शियसली वो इस बेंट ऑफ माइंड को या तो अडॉप्ट करते हैं या फिर किक ऑफ करते हैं। दोनों तरह के लोग हैं। अपने रेफरेंस में ईगो के बजाय अपना इंसान होना लिखिए, मानिए। हम सब इंसान हैं और हम सब गिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं से टूटे हुए हैं। आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। और ये वाकई मैं दिल से, ये सेंटेंस जब भी मैं अपने वीडियोज में एंड पे कहती हूँ, ये मैं दिल से कहती हूँ। थैंक यू।